इवन जो फैमिली लेवल पे है, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेड हियर। बट यहाँ पर नहीं, ग्रेजुएशन करना है, नौकरी करना है, माँ बाप समाज का ध्यान देना है और आपको घर वाले की मर्जी से शादी। तो जो ओल्ड पर्सन है इंडिया में, ओल्ड एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे मन में एक स्टार्टअप आइडिया आया था ओल्ड को भी लेके, आप एक बार कमेंट करें। अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, CDS है, बहुत से जगह, अच्छे जगह जाओ ना, वरना फिर वही बेंगलोर की गली पकड़नी पड़ेगी, 5 लाख 6 लाख देना होगा। और प्लेसमेंट प्लेसमेंट हर जगह नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बेस का भी अच्छा फी है, बेस का भी कोई खास प्लेसमेंट नहीं है, नाम पे जी रहा है। मैं आऊँगा इन कमिंग डेज। सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड एज आई हैव प्रॉमिस लास्ट वीक कि मैं ब्रेक द मैट्रिक्स पे एक दो अच्छे अच्छे एपिसोड्स लेके आऊँगा। वी ऑल आर यूथ एंड सिंस बिगनिंग मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो मैक्सिमम कंटेंट होगा वह यूथ पे फोकस होगा। आई एम कंसिडरिंग या तो आप 18 से 20 साल के लेकर नियरली 30 ईयर्स के हैं, ठीक है। आई एम करेंटली 28 29, तो मैं यह मानता हूँ कि मेरे ही हम उम्र होंगे या मेरे से आप 7 8 साल छोटे होंगे। और मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, आप एक बार देख लेंगे कि ब्रेक द मैट्रिक्स में हम क्या बात करेंगे। इफ़ यू फाइंड कि ब्रेक द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है एंड सो मेनी थिंग्स, ब्रेक द मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको अपने टर्म में बताया था कि जो भी चीज़ें ट्रेडिशनली या सोशली चलती आ रही है कन्वेंशनली, और वह आपके ग्रोथ में हिंडर करे, ठीक है, ग्रोथ में बाधा करे। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, चाहे आपका सोशल ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे आपके एकेडमिक ग्रोथ हो, जिसको कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करियर फ्यूचर्स बोलते हो, चाहे आपका मनी ओरिएंटेड ग्रोथ हो, व्हाट सो एवर, जो भी आपके यह कारगर में बाधा करे, यू आर सपोज टू ब्रेक दैट मैट्रिक्स, ठीक है। चाहे वह हेल्थ वाइज हो सकता है, आदमी को किस किस तरह का ग्रोथ चाहिए, हेल्थ वाइज चाहिए, अगर कोई ज़्यादा थोड़ा मोटा हो गया है तो उनको रहता है कि मैं थोड़ा स्लिम या फिट दिखूँ, या जो भी हो मेल या फीमेल, या जो थोड़ा पतला दुबला है उसको लगता है थोड़ा मुझे वेट गेन करना चाहिए। उसी तरह जब हम स्टडी या एजुकेशन की बात करेंगे, मेरा जो एम होगा बेसिकली यह एजुकेशन ओरिएंटेड होगा। बाकी और भी बहुत सारे चैनल हैं ज्ञान देने के लिए, आई विल नॉट बी फोकसिंग ऑन मच मच ऑन दैट, बट हमारा ये ज्ञान रहेगा कि वी आर सपोज टू मेक समबडी आइडियल, एनी वन, यू कैन मेक एनी वन, ठीक है। चाहे आपके यहाँ घर में हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई आपके टीचर हो सकते हैं, एनीवन हो सकते हैं। एंड मेक श्योर, एंड आई विल बी टॉकिंग ओनली ऑल दोज पॉइंट्स जिसको मैंने खुद में किया है, माई सेल्फ आई हैव डन, बिकॉज टू सम एक्सटेंट आई बिलीव इन सम एरिया आई हैव डेफिनेटली ब्रोक द मैट्रिक्स। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मुझे 2 मिनट देना होगा। देखिए, यूजुअली जो हमारे कंटेंट देखते हैं, जो आप लोग हैं या तो CUET PG का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या UG का, या फिर UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर IES या RBI का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर कुछ और भी सब्जेक्ट्स के होंगे जो कि एकेडमिकली एक्टिव होंगे, कंसिडरिंग कि आप 12th पास होंगे एंड नियर टू PhD होंगे, ठीक है। यह 2 सेक्शन को मैं टारगेट कर रहा हूँ मेनली, ब्रॉडरली जो है। तो आज के वीडियो में हम यह बेसिकली देखेंगे, हमारा कुछ बहुत सारे सेशन आएगा कि आखिर हम करें क्या, क्योंकि मैं आपको एक मिनट सॉरी क्योंकि मैं आपको कुछ सच्चाई से रूबरू करवा दूं। आपको पता होगा जो हमारा ILO है, इनफैक्ट द डेटा वॉज सपोर्टेड बाय IMF एज वेल, जो हमारा कर्व है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट का, यूथ एजुकेशन, ठीक है, यूथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है। आई थिंक कुछ इस तरह से कर्व है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई। स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल एकेडमिकली जीरो हैं, सपोज दैट यहाँ से जीरो है, ठीक है, 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास तक पढ़े हैं, 4 5 क्लास तक, below 10 जो कि लेबर क्लास यूजुअली माना जाता है, तो आपको जॉब की चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे आप मैनुअल और अनस्किल्ड जॉब कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक अच्छे खासे class 12th या ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, जिसको कि आप BTech वगैरह भी कर सकते हो ब्रॉडरली, तो आपको अच्छा खासा है। परंतु उसके बाद क्या हो रहा है, अगर आप अधिक पढ़ाई करते हो, हालांकि यह ग्राफ से मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ हद तक आई प्रीफर जो कुजनेट्स का यू कर्व था वह भी आपका एनसेप था, ठीक है, वह भी एनसेप होता है, क्योंकि आफ्टर ए सर्टेन लिमिट। अब मान के चलिए किसी ने PhD कर रखा है, बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ ने स्टार्टअप वगैरह खोला है, बहुत सारी चीज़ें करने के, तो फिर उनकी जॉब की
जो है चांसेस बढ़ते हैं। बट ब्रॉडरली हम ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ तक 10-12 तक ठीक है, बट जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास करते हो, मास्टर्स पास करते हो, धीरे धीरे आपका जो है अपॉर्चुनिटी है ये आपका क्लास 12 तक है। जैसे जैसे ग्रेजुएशन में गए, 12th मास्टर्स में गए, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी घटते गया। इसलिए घटते गया कि आप अनस्किल्ड जॉब नहीं कर सकते हो, या फिर जिसको मैनुअल काम बोलते हैं, ठीक है, जो भी काम हो, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, या फिर मैनुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, व्हाट्स एवर यू डू, ठीक, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को ऑप्टिमाइज कहाँ करना है, और हमने शुरू में ही एज्यूम किया है कि यू आर एज, योर एज इज 18 to 13, यही 12-13 साल हैं आपके, ठीक है। 30 इसलिए कि बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि सर मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, 4-5 साल प्रिपरेशन कर रहा था, अब मुझे सर पीजी करना है। और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे 21-22 में, सपोज दैट, तब से आप 5 साल प्रिपरेशन किए, अब आप 26-27 के हो चुके हैं, तो अब आपको पीजी करने की वो लगी है कि चलो मुझे पीजी करना है, आखिर पीजी क्यों करना है, ठीक है। इन सब पे हम सेपरेट वीडियो आएंगे, बट हमें जो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ब्रेक द मैट्रिक्स का मतलब क्या है। ब्रेक द मैट्रिक्स का जो मेनली है, जैसे यहाँ दो तरह के गार्जियन होते हैं, ठीक है, टू काइंड ऑफ पेरेंट्स होते हैं। एक तो थोड़े मॉडर्न हो चुके हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, या फिर जो उस तरह के कॉस्मोपॉलिटन सिटी वगैरह में रहे हैं, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, बड़े बड़े जो भी शहर हैं, तो वो गार्जियन समझ सकते हैं, वाट एवर चिल्ड्रेंस आर डूइंग इट्स फाइन। और एक होते हैं थोड़े ट्रेडिशनल हैं, ठीक है, वो भी समझते हैं, बट दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस और एडवांटेजेस, नो प्रॉब्लम। आई हैव द ऑल्सो सेम इशू, क्लैश हालांकि हुआ था, विल बी डिस्कसिंग समथिंग यू नो लेटर ऑन, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेज रहे एंड ऑल, हियर आई विल बी टेकिंग। जो भी मॉडर्न पेरेंट्स हैं वह अपने बच्चे को फुल आज़ादी देते हैं, चाहे जो भी करो, आप रात में पार्टी करो, डिफरेंट ट्रिप्स वगैरह पे जाओ, या जो भी करो, जो भी पढ़ाई करो, किन्हीं को पेंटिंग करना है, किन्हीं को स्पोर्ट्स में जाना है, किन्हीं को जो भी करियर बनाना। और एक ट्रेडिशनल होते हैं, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुएशन या बीटेक करो और फिर उसके बाद नौकरी करो, जो सिंपल है। यहाँ पे हर तरह का आज़ादी है, आपके डिफरेंट फ्रेंड्स होंगे, इवन जो फैमिली लेवल पे, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेड हियर। बट यहाँ पर नहीं, ग्रेजुएशन करना है, नौकरी करना है, माँ बाप समाज का ध्यान देना है, और आपको घर वाले की मर्जी से शादी करना है, एक जो प्रॉपर ट्रेडिशनल है। अब देखिए यहाँ पे बाधक एलिमेंट क्या है, हाउ वी आर यू नो दैट, हाउ वी शुड ब्रेक द मैट्रिक्स, या हमें मैट्रिक्स क्यों तोड़ना चाहिए। सपोज दैट वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, अगर आप देखोगे जो मॉडर्न टाइम में रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई बच्चा मान के चलो बहुत अच्छा पेंटर है, ठीक है, या फिर उसको कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज़्यादा शौक है, कंटेंट क्रिएशन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो सोशल मीडिया के शिकार होकर आजकल जो जेंजी हैं, ठीक है, आजकल जो जेंजी हैं वो कैसे शिकार हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ही वो अपना अचीवमेंट मान रहे हैं कि हमारे कितने लाइक्स आ रहे हैं और कितने शेयर्स हो रहे हैं, इसको प्लीज एसेट ना समझे, यह कोई आपको याद नहीं रखेगा। अल्टीमेटली आपकी कैपेबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है, और कैपेबिलिटी से ही मेनली मैट्रिक्स को ब्रेक हम कर सकते हैं। दैट वाज द एंडिंग पॉइंट, आई विल बी कमिंग दैट। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दे दिया हूं, यह episode 1 है, episode 2 से जब हम बात करेंगे उसमें सेपरेटली हम चीजों पर बात करेंगे। एक तो फाइनेंशियल, आखिर हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, मनी के लिए, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप यूपीएससी क्लियर करो, आरबीआई करो, नेट जीआरएफ करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, प्लेसमेंट लो, मनी मैटर्स, पैसे हमें कमाना चाहिए, और पैसे कमाने का जो है जरिया वह काफ़ी इथिकल होना चाहिए, यह याद रखिए आप, देन ओनली इट विल बी सस्टेनेबल। कोई शॉर्ट टर्म इसका गोल नहीं है, चाहे आप बिजनेस पकड़ लो या फिर जॉब पकड़ लो, मेक श्योर इट शुड बी वेरी इथिकल एंड देन ओनली इट कैन बी सस्टेनेबल, ठीक है। विल बी टॉकिंग ऑन सेपरेट सेशन, आज का सेशन में इंट्रोडक्शन के बाद का सेशन रहेगा एपिसोड, इसको आप 1 समझ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको अब समराइज कर देता हूं सेशन को, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल रहेंगे, एकेडमिकली रहेंगे, आपको क्या क्या करना है, नहीं करना है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद फेस किया है और आपको मुझे लगा कि बताना चाहिए, एक मैं रेगुलर सेशन आपको लेके आऊँगा। दो चीज़ें हैं, अगर आप अभी 12th पास हो चुके हैं, ठीक है, और आप ग्रेजुएशन में हैं, बीए बोल लो, बीएससी बोल लो, बीटेक बोल लो, जो भी बोलो, ठीक है, ग्रेजुएशन में लिख देता हूँ ग्रेजुएशन, तो आपके जो हैं प्रॉपरली 2 गोल्स होने चाहिए। क्या क्या? एक शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए आपके। यह सब तरीका है ब्रेक द मैट्रिक्स करने का। थोड़ा टाइम लगेगा, नियरली 2 to 3 years लग जाते हैं किसी भी तरह के मैट्रिक्स को ब्रेक करने में, चाहे आपके हैबिट्स हों, फाइनेंशियल गोल्स हों, एकेडमिक गोल्स हों, किसी भी तरह के गोल्स हों। तो एक तो शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे और एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे। हर तरह के शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म, हर तरह के, चाहे आपके करियर वाइज हों कि आपको करना क्या है फ्यूचर में, जो भी करना,
चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या मनी अर्निंग या प्लेसमेंट्स जो भी होंगे, चाहे आपके फैमिली के इशू होंगे, फैमिली कुड बी माँ बाप भाई बहन पर्सनल व्हाट्स एवर, एवरीथिंग पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो करियर में जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे आपके जो भी, एंड आई डेफिनेटली आई मीन रिकमेंड यू पीपल टू डू एटलीस्ट पीजी, पीजी तक जरूर से जरूर पढ़ाई करें। पीजी में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एमबीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, पीजी तक पढ़ाई करना ठीक है, एक ठीक ठाक ओहदा आपको मिल जाएगा। इंडिया को भी जरूरत है, क्योंकि पीजी करने के बाद जो है, हाँ पीजी पे सिर्फ लै मत रहें, ग्रेजुएशन के बाद नो डाउट, ग्रेजुएशन के बाद बहुत से लोगों को लत नहीं बोलूंगा चाहत होती है कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इसमें आप 2 अटेम्प्ट्स दो मैक्स। हालांकि इस पे मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिया, बट साइड वाइज एकेडमिकली आई वाज डूइंग मास्टर्स के दौरान, मास्टर्स के बाद मैंने दिया, साइड में मैंने पीएचडी भी ज्वाइन किया उसके बाद। फिर ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स लर्निंग राइट। जैसे मैंने खुद 2 बार आईईएस का इंटरव्यू दिया, आईएएस का मेंस भी लिखा, ठीक है। 2021-22 के बाद मैंने ये सब लगभग छोड़ दिया है, और लास्ट 2 ईयर से मैं आप लोगों को CUET के थ्रू पढ़ाता हूँ, UGC नेट GRF, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट किए हैं इस साल से IES और IAS का भी कोर्स, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे मैट्रिक्स को ब्रेक हो किया जा रहा है, आखिर यहाँ तक मैंने कैसे पहुँचा, इसके पीछे लगन है 6 से 7 साल का, मिनिमम 6 से 7 साल का एफर्ट है, बट शॉर्ट टर्म गोल हमारा 2 ईयर्स का है, क्योंकि आई हैड समथिंग, आई गेन्ड समथिंग, सो दैट आई कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा कि सर बहुत ज़्यादा मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अनक्लियर रहता हूँ, ठीक है, डाउटफुल रहता हूँ कि आखिर क्या करूँ ना करूँ। मिनिमम तो आपको ग्रेजुएशन करना ही है। बहुत से लोगों को स्टार्टअप की तलब रहती है कि सर मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, नो डाउट करो यार, लेकिन ग्रेजुएशन तो पहले करो। और सबसे बड़ा जो लाइफ में लेसन है वह एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस जरूर से जरूर लो, प्लीज कहीं भी लो, चाहे आप इंटर्नशिप कर लो, जॉब कर लो, या कुछ भी कर लो, पढ़ा लो। देखिए कमाने के जो तरीके, व्हेन इट कम्स टू द करियर, करियर का मतलब होता है मेनली अर्निंग मनी, ठीक है। अर्निंग मनी बहुत तरीके हैं, ब्रॉडरली जो है 3 तरीका मैं बता दिया हूँ। या तो आप प्राइवेट जॉब करोगे, कहीं भी प्राइवेट जॉब करोगे, किसी भी तरह का नौकरी करो, चाहे प्लेसमेंट काम कर लो, चाहे दुकान में कर लो, अखबार बेच लो, जोमेटो काम कर लो, स्विगी काम कर लो, फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ भी कर लो, जो भी करो, प्राइवेट जॉब एक हो गया उसमें। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत तरह के होते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, चाहे आप UPSC क्रैक कर लो, RBI कर लो, IES कर लो, कुछ भी कर लो। और जो एक थर्ड आजकल का यूथ में जो चला है, स्टार्टअप, यानी सेल्फ बिजनेस, बिजनेस ही समझ लो, हर कोई इसको स्टार्टअप बोल देते हैं, जो कि जायज भी नहीं है। एक मिनट, मेनली आपका यह तरीका है। तो अब इन 3 तरीकों में से आपको खोजना है कि हमें क्या करना है, और इन 3 तरीकों का जो कॉमन ट्रेट है, जब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, कॉमन ट्रेट 2 है। एक तो डोमेन पे आपको बहुत स्ट्रांग पकड़ होना चाहिए, और सेकेंड है कम्युनिकेशन। यह 2 चीज़ों पे आप अच्छे से पकड़ करो। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, मैं खुद हिंदी हर्टलैंड से बिलोंग करता हूँ, मैं बुद्ध के धरती बिहार से आता हूँ, डेफिनेटली हिंदी हमारा मातृभूमि है, मतलब मदर टंग है, ठीक है। बट आई एम टेलिंग, आई हैव यू नो फेस्ड, इसलिए इंग्लिश आप लोग अच्छे कर लो अभी से। अगर आप ऑलरेडी अच्छे स्कूलिंग में थे तो नो प्रॉब्लम, बट जो भी मिडिल क्लास से आते हैं, अच्छी स्कूलिंग नहीं हो पाती, हालांकि CBSE में भी आधा हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, तो इंग्लिश आपकी अगर अच्छी नहीं है, हम लोग का तो चलो पार घाट अब लग चुका है, वी आर ऑलरेडी नो एंड टू यू नो नियर टू कम्प्लीट माई करियर एंड ऑल, करियर इन द सेंस पढ़ाई लिखाई, 1-2 साल में PhD सबमिट होगी, जहाँ भगवान का रास्ता मिलेगा वहाँ नौकरी चाकरी करना है, पढ़ाना है, बाकी आप लोग को मैं गाइड करते रहूँगा। बट आपका जो डोमेन नॉलेज होगा, डोमेन आप कुछ भी करो, एनी सब्जेक्ट, वट एवर यू डू, उस पर आपको काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए। बाकी बचा इंग्लिश, यह 2 चीज़ें आपको लाइफ में हर जगह काम करेगी। मैं बता रहा हूँ कैसे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी करोगे, मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करी, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन मेरा नहीं निकला, बट आई हैड ए गुड होल्ड ऑन द डोमेन, जिस कारण से मैं आराम से तकरीबन अभी 1000+ बच्चों को ट्रेंड कर चुका हूँ इन लास्ट 2 ईयर्स। अभी हमारा CUET का बैच चल रहा है, उसमें भी नियरली 300+ सीट्स हैं, आई होप कि आप लोग और जुड़ेंगे तो यह भी हमारा 500+ हो जाएगा। तो एवरी ईयर 400-500+ बच्चों को ट्रेंड करना, इट शोज की फैथ एंड आई हैव समथिंग टू यू नो हेल्प यू पीपल। तो
डोमेन में एक्सपर्टीज हुआ, स्लोली आई वर्क, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल, स्लोली आई वर्क ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट एंड समहाउ आई कुड कम्युनिकेट, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो आई कुड कम्युनिकेट। बट जब आप प्राइवेट स्पेस में जाओगे या पब्लिक स्पेस में कहीं भी जाओगे, आपके लिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 99% इंग्लिश ही है अगर आपको इंडिया में खासकर एक्सेल करना है। तो प्लीज़ इसको आप अंगीकृत करेंगे, गले लगाएंगे, इससे दूर नहीं भागेंगे। और कोई भी काम करना हो आपको, कोई भी काम करना है, लोग कहते हैं 21 दिन रूल, 15 दिन रूल, मैं बोलता हूँ 7 days, जस्ट 7 days, 1 week इज एनफ टू ब्रेक द मैट्रिक्स। अब कंक्लूड करते हैं कि ब्रेक द मैट्रिक्स है क्या। ब्रेक द मैट्रिक्स, चाहे आप सोशल नॉर्म्स हो, चाहे किसी तरह से आप कुंठित हो, आपको यह नहीं लग रहा है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं वह नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब 3-4 months बचे हैं, मैं CUT कैसे ब्रेक कर पाऊंगा। ठीक है यार, नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, ऑलवेज बी विद द अल्टरनेट, अल्टरनेटिव एक रखो। क्या, ठीक है आप नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन है तो कीजिए, नहीं तो यही ऑप्शन है तो यही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, नहीं होगा तो लर्निंग तो मिलेगी। वो कहते हैं ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, यहाँ शॉर्ट टर्म तजुर्बा तो हमें लेना ही चाहिए, मैं 4 साल के लिए तजुर्बा नहीं लेना बोल रहा हूँ। कोई भी एग्जामिनेशन दो, कोई भी एग्जामिनेशन, 1 से 2 अटेम्प्ट, कंप्लीट ईयर, अटेम्प्ट मीन्स ईयर, जैसे नेट JRF आप कर रहे हो ना यार, नेट तो ज़्यादा टफ नहीं है, नेट मैक्सिमम 2 से 3 बार में तो आपका निकल भी जाना चाहिए, कितना भी आप कमजोर स्टूडेंट्स हो। एंड जो भी मैंने कोर्स पढ़ाया है ना, आपको पढ़ाता हूँ, मैं मिनिमल लेके चलता हूँ कि हमारा बच्चा टॉप नहीं करे, हमारा बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं लाए, बट जो मिनिमल है, एक बेसिक नीड जो है, जो बच्चा एकदम ग्राउंड के लोअर लेवल पे है, वह उठ के कम से कम एवरेज बन सके, इतना मैं कंटेंट क्लास में जरूर दे देता हूँ। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स भी देख लोगे तो इन क्लास में इतना जरूर आपको साउंड बना दूंगा कि आप सारे चीज़ में एटलीस्ट जो धरातल पे हैं वह उठ के एवरेज आ जाओगे, एमंग योर पीयर्स जरूर आ जाओगे, वहां से तो अब आपको छलांग लगाना है। तो कुल मिला के यही था ब्रेक द मैट्रिक्स। ब्रेक द मैट्रिक्स का मतलब हुआ, आपको जो भी करना है लाइफ में, जो भी करना है, मेक श्योर कि आपको करना क्या है। कुछ भी करना है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट एकेडमिकली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो यार मास्टर्स तक मिनिमम कर लो, क्योंकि फ्यूचर इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, नो बडी लोज। हो सकता है प्राइवेट में आपको मजा नहीं आए, कुछ बच्चे जॉब स्टार्ट करते हैं, बहुत से बच्चे हैं 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख की जॉब करते हैं, ठीक है अच्छी बात, 1 साल 2 साल जॉब के, जॉब में मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करेंगे। उसके लिए आपके पास पहले से कुछ रहा तो मन हुआ PhD करने का, मन हुआ फॉरेन जाने का, तो उसके लिए मास्टर्स जरूरी है ना। उस वक्त जॉब छोड़ के तो आप मास्टर्स नहीं करोगे, समझ रहे हो बात। हाँ, मास्टर्स के दौरान आप स्किल पे काम करो। अभी जो है इंडिया का एरा आने वाला है, नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप अभी USA में ट्रंप बन गए हैं प्रेसिडेंट, तो ठीक है जनवरी से उनका ऑफिस शुरू होगा, 1-2 month प्रॉब्लम होगी आई थिंक, फेब मार्च के बाद एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। अब इंडिया में देखो कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में जो है अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कहाँ। जैसे वैन आई लुकड इन टू द मार्केट, प्रॉब्लम मुझे लगा खासकर जो CUT PG इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, उसमें मैंने देखा कि फ़ी काफ़ी हाई रखे हुए हैं, और मैं तो चलो सेल्फ स्टडी से पढ़ लिया, बहुत सारे बच्चे हैं सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए मैंने मिनिमल फी में मार्केट पे मैंने सोचा चलो इनको पढ़ाता हूँ, एंड आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड सडनली मुझे भी लगा चलो इसको अब मैं कैरी करता हूँ, एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट माई फुल टाइम करियर। ठीक है, तो हियर यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मीन्स You are providing society affordable and quality education at minimal fee, right? Similarly, अगर आप देखोगे अभी तो जो old person है इंडिया में, old age काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे मन में एक स्टार्टअप आइडिया आया था old को भी लेके, आप एक बार कॉमेंट करेंगे, जो भी मेरे मन में आएगा, जो भी आइडियाज़ वगैरह आएंगे, जैसे आप लोग देख रहे हो ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इसी तरह मेरे मन में करीब 1 साल से चल रहा है कि इसी तरह जब आप फूड में दे रहे हो तो क्लॉथ में क्यों नहीं दे रहे हो। कुछ चीज़ें काफ़ी सस्टेनेबल होती है, क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, जब तक आदमी प्राणी जिंदा रहेगा धरती पर तब तक यह सब चीज़ें सस्टेनेबल रहेगी, एजुकेशन यह सब तो सस्टेनेबल रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के आइडियाज को सुनो, डिफरेंट, अब तो आपके पास इंटरनेट है, हार्नेस द पावर ऑफ इंटरनेट के पावर को आप लोग अधिक से अधिक यूटिलाइज करो। ठीक है, गाना सुनना और आप लोग क्या क्या करते हो दैट इज डिफरेंट थिंग, योर आइडिया, बट जो भी इंपॉर्टेंट, चाहे वह पॉडकास्ट हो चाहे फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोज लगे, यूट्यूब पे एक बार आप सर्च करो और उससे आप नोट्स बनाओ, चाहे जो भी आपको करना हो, चाहे आपके हेल्थ के गोल्स होंगे कुछ, चाहे आपके फाइनेंस के गोल्स होंगे कुछ तो होंगे। मस्ट हैव ए गोल बिफोर यू डाई, यस,
छोटा गोल, बड़ा गोल कुछ भी जरूर रखो गोल. नौकरी करना, जॉब करना इज नॉट द गोल, दैट इज द मिनिमम बेसिक नीड वी शुड हैव. दाल रोटी कमाने के लिए कुछ तो चाहिए, प्लीज लीव दैट. उसके बाद क्या, लाइफ इज यू नो वेरी बोरिंग. नाउ आई एम फेसिंग, मैं बता रहा हूँ, मैं इस एज पे आ गया हूँ, मुझे कभी कभी अभी बोरिंग लगता है. अगर मैं यूट्यूब वीडियो ना बनाऊँ, कंटेंट ना बनाऊँ, बच्चों को ना पढ़ाऊँ, मुझे काफ़ी बोरियत फील होती है, आई एम टेलिंग यू. एंड द काइंड ऑफ यू नो रील्स लाइफ, अभी जो हमारा चल रहा है ना, ये रील्स लाइफ सब फसाद का जड़ है. आपको लग रहा हो कि सर आपने बोला था ब्रेक द मैट्रिक्स के लिए, बट मैं ब्रेक द मैट्रिक्स में इतना चीज़ मैं आपको बता दिया कि आखिर आपको करना क्या है, क्यों करना है. अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो शुरू करूँगा, कैसे करना है, हाउ. और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी स्क्रिप्टेड वीडियो रहेगा, विल बी टॉकिंग ब्रॉडरली एजुकेशन पर्पज से, ठीक है, आपके एजुकेशन करियर. फिर हम धीरे धीरे एजुकेशन के बाद आएंगे फाइनेंस एंड मनी, ठीक है. फाइनेंस मनी का भी थोड़ा थोड़ा मुझे ऐड, जैसे अभी से अगर आप हो, अभी से आप SIP कर सकते हो यार, 1000 रुपये तो बचा सकते हो, 2000 बचा सकते हो, एटलीस्ट अभी से शुरू करो ना. साल के यहीं से अगर 2000 बचाए तो 30,000 हुआ, 10% भी अगर रिटर्न बन रहे हैं तो 33,000-34,000 हुआ. अभी आप 2-3 साल भी करोगे, 1,00,000 रुपये हो गए आपके पास, यू विल हैव सम मनी ना. तो यहाँ से इंटरेस्ट आएगा. अल्टीमेटली जो है आपको करना क्या है लाइफ में, अच्छे पैसे कमाना है, हेल्दी रहना है और अपने फैमिली को साथ लेके चलना है. यही तो 3 चीज है लाइफ में, एंड एवरीथिंग इज वेरी इंटरलिंक्ड. यही 3 चीज है. अभी आप स्लोली मान के चलो करियर में अच्छे कर लिए, अच्छे पैसे कमा लिए, फिर एक अच्छा हेल्दी डाइट लोगे, अच्छा जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे. डेफिनेटली जब हेल्थ एंड वेल्थ आपके पास रहेगा और फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, मान के चलिए थोड़ा बहुत झुकना भी सीख जाओ, तो डेफिनेटली यू विल बी द वंडरफुल पर्सन. और हम लोगों को कभी भी, मैं बता रहा हूँ, हमें हमेशा टारगेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नहीं करना चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर ये फोड़ दूंगी, नहीं. ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू बी एन एवरेज इंडियन, एन ऑर्डिनरी इंडियन, एन ऑर्डिनरी पर्सन. सबसे पहले मिनिमम अगर यह आपका, ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ है, ये ऑर्डिनरी और आप यहाँ हैं, हम आप अगर यहाँ हैं मान के चलिए, मैं भी यहीं था, अभी भी लगभग यहीं हूँ, धीरे धीरे कोशिश करने जा रहा हूँ ऑर्डिनरी बनने का. तो सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी बनना है ताकि एक जो मीडियम चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे सोशल स्टेबिलिटी भी होती है, वी विल बी टॉकिंग ऑन सच थिंग्स. व्हाट आई फाउंड कि यूथ को थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है. अब आपको लग रहा हो कि सर आप बैठ के ऐसे लेक्चर दे रहे, नहीं, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर आएगी, ठीक है. अभी फर्स्ट सेशन था तो मैंने थोड़ा आपको एक ब्रीफ बता दिया. मैं आपको बता रहा हूँ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव गेन इन एवरी फील्ड, चाहे आप एकेडमिक्स में ले लो, चाहे आप सोशल लाइफ में ले लो, चाहे आप पर्सनल लाइफ में ले लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में ले लो. मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी हूँ, शायद आपको पता होगा, 2 बार मैंने TT में खुद अपने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से गोल्ड जीता है. आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले चेस, लॉट्स ऑफ गेम्स आई प्ले टेनिस एज वेल, टेबल टेनिस, सो मेनी. तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, और यह एक्सपीरियंस मैं जो गैदर किया हूँ प्रोबेबली फ्रॉम ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, जब मैं HCU आया मास्टर्स वगैरह करने के लिए, जब मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आती थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग जीरो से, फर्स्ट ईयर से लेकर GRF निकालने से लेकर UPSC की स्टोरी से लेकर आपको पढ़ाने तक. स्लोली आपको बिलीव रखना होगा, यू वॉन्ट बिलीव. जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाता था स्टार्टिंग में, चाहे ब्लॉगिंग हो चाहे कुछ भी हो, तो माई पेरेंट्स मुझे डांटते थे, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई कर, एग्जाम है, ये वो. नाउ एवरीथिंग इज फाइन. मुझे पता था इसका पोटेंशियल. आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, पोटेंशियल दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, एक तो मार्केट का पोटेंशियल, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट गोल यू शुड हैव, और आपका अपना पोटेंशियल, ओन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, वॉट यू कैन डू. यू सी माई यूट्यूब, डजेंट मैटर वॉट एवर यू पीपल वॉच और नॉट, बट यू सी एटलीस्ट एक तो वीडियो आ ही जाता है, या एक से एक चीज में एटलीस्ट 20 वीडियोज पर 30 डेज में आना ही आना है. एंड एवरी वीडियो हैज़ लिटिल बिट एटलीस्ट वैल्यू एडिशन, चाहे CUT को लेकर हो, चाहे UGC नेट GRF हो, चाहे कुछ अपडेट हो, और एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल. मैं कहीं से कुछ नहीं उठाता हूँ, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, वेरी नेचुरल. बस मन में कुछ भाव आए, नहीं यार मुझे ये बताना चाहिए, बस कैमरा ओपन करता हूँ, टैब लेता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है. तो इस तरह का आप में एक आग होना चाहिए. अब पढ़ाई की बात है, शॉर्ट टर्म गोल की मैं बात कर रहा था ना, आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, शॉर्ट टर्म गोल है हमारा यार एग्जाम क्लियर करना, उसके लिए लग पड़ेंगे पूरा देश दुनिया, सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स, ये सब सेकेंडरी रखेंगे. मैंने उनको भूलने नहीं बोल रहा हूँ, इन सबको हम सेकेंडरी रखेंगे, तभी मैट्रिक्स को हम ब्रेक करेंगे.
मैं बता रहा हूँ, एक समय के बाद ये जो पेरेंट्स है ना, ये जो मैं आपको बताया मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल पेरेंट्स, मैनी ऑफ यू विल फेस, मैं यह रिलेट किया हूँ जो बिहार यूपी की लड़कियाँ हैं, ठीक है, दे गॉट DSE HCU, उनको जाने नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल माइंडसेट, बट आई टोल्ड देम नो प्रॉब्लम, आई एम विथ यू, आप वहीं से रहकर UGC नेट GRF क्रैक करो। अभी एक बच्ची का GRF हुआ है, सी इज इन आई थिंक BHU में उन्होंने एडमिशन लिया, उनका DSE भी हुआ था, उनका HCU भी हुआ था, JNU भी हुआ था, माँ बाप नहीं जाने दिए, व्हाट्स ओवर द रीजन, सी क्लियर द नेट, अब तो माँ बाप काफ़ी अच्छे हैं, हाँ नेट क्लियर कर लिया बिटिया ने, उनको एकेडमिक्स में जाना है। इसी तरह मैं बता रहा हूँ, इनका भी समय चेंज होता है स्लोली, आप परफॉर्म करके तो दिखाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक गांव या शहर का बच्चा ही सब कुछ कर पाएगा, उसको सुख सुविधा, अब आपके पास इंटरनेट है यार, पावर ऑफ इंटरनेट को आप अंडरमाइंड मत करो। आई वॉज वेरी हैप्पी जब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर लद्दाख में ना इंटरनेट थी, कुछ बच्चे ने भी हमारे बांग्लादेश से कोर्स लिया है, वहाँ पर आपको पता है कैसा सिचुएशन है, उसके कुछ रिलेटिव कोलकाता में रहते हैं, वट एवर बी द रीज़न, मैं इस पर नहीं जाऊँगा फिर विवाद हो जाएगा, तो मैं विवाद में नहीं बनना चाहता हूँ, तो कलकत्ता में आके वो भी पढ़ रही है, लद्दाख से बच्चे पढ़ रहे हैं, लद्दाख के बच्चे DSE गए हैं लास्ट ईयर, समझ रहे हो बात को आप, तो इंटरनेट में बहुत पावर है, आप करो तो कुछ भी करो, 7 days नॉट 21 days, जस्ट 7 days, आप जस्ट यू डू इट माय फ्रेंड्स, डू इट एंड विल बी बैक नेक्स्ट 7 days के बाद, अभी से आप करना शुरू करो, नेक्स्ट 7 days के बाद मैं आपके सामने जो वीडियो लाऊंगा, आई विल बी वेरी क्लियर एंड आई एम राइटिंग हियर फ्रंट ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो हमारा एजुकेशन बेस्ड रहेगा, पहले एजुकेशन फिर करियर, दोनों में अंतर है, एजुकेशन एंड करियर में अंतर है, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा एंटर करेंगे सोशल, उसके बाद मनी पैसे कौड़ी ये सब बाद में, मैं खुद ही यार अभी गरीब आदमी हूँ, मैं खुद ही अभी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपने तरह से काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा, जो है करोड़पति अरबपति वो बात करे, बट हाँ ठीक ठाक एजुकेशन मेरे पास अब हो गई है, जो एक इंडिया में मिनिमम स्टैंडर्ड है, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, PhD का, करियर के मुकाबले मुझे अब उतना टेंशन है नहीं, जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरे पास जुबान है, जब तक इंटरनेट है, मैं बच्चों को आराम से पढ़ा सकता हूँ, तो करियर की भी मुझे चिंता नहीं। सोशल एस्पेक्ट से मैं काफ़ी धरातल से जुड़ा हूँ, एक गांव से आया हूँ, शहर को देखा, कॉस्मोपॉलिटन को देखा, आप लोगों का विशेष रहेगा तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर मुझे फॉरेन जाने का भी प्लान है, लॉट्स ऑफ प्लान है, तो शॉर्ट टर्म गोल्स को हमें लॉन्ग टर्म में करना है, तो इन सब पे हम बात करेंगे स्लोली, कैसे आपको सेटल करना है, ये जो सीलिंग है ना, यही है आपका ब्रेक द मैट्रिक्स। तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, बट वीडियो देख लिया करें जरूर, अगर आ जाता है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, और जो भी नवीनॉमिक्स वगैरह पे कोर्स वगैरह लेना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, मुझसे सीखना चाह रहे हैं, यार सीख लो, एटलीस्ट लाइफ भर साथ रहूंगा मैं, किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, किसी प्रकार का हेल्प चाहिए, काउंसलिंग से लेकर कॉलेज सिलेक्शन से लेकर, कम पैसे में अच्छी जगह जाओ ना, अधिक पैसे लगाकर खराब जगह क्यों जाना, मैं ये आपको कह रहा हूँ, मास्टर्स में 5 लाख 6 लाख क्यों देना, अगर आपके CUT में अच्छे स्कोर आ जाएंगे सपोज दैट, तो आपको कम फी में, चाहे आप IGDR का भी ज़्यादा फी नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत है बट ज़्यादा भी नहीं है, DSE है, फिर आपके बाद बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे, HCU भी ठीक ठाक ही है, ये सब अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, CDS है, बहुत से जगह अच्छे जगह जाओ ना, वरना फिर वही बेंगलोर की गली पकड़नी पड़ेगी, 5 लाख 6 लाख देना होगा, और प्लेसमेंट प्लेसमेंट हर जगह नहीं है, मैं बता रहा हूँ बेस का भी अच्छा फी है, बेस का भी कोई खास प्लेसमेंट नहीं है, नाम पे जी रहा है, मैं आऊँगा इन कमिंग डेज, जो ये लोग कॉरपोरेट वाले हो कर रहे हो ना, जो कॉरपोरेट वाले हैं, कॉरपोरेट का भी मैं मैट्रिक्स को ब्रेक करूँगा, आई बीन टू बेंगलोर, यू मे बी नोइंग, जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, नवीनॉमिक्स या फिर विनर नवनीत, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है विनर नवनीत है, WINER विनर नवनीत NAVNEET, ठीक है विनर नवनीत, इंस्टाग्राम पे जो हैंडल करते हैं स्टोरी वगैरह वो देखे होंगे, मैं बेंगलोर में था करीब 10-12 दिन, तो जस्ट फील करने के लिए मैं गया था, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे कॉस्मोपॉलिटन चीज़ें हो, तो जो भी बड़े बड़े शहर थे लगभग इंडिया में, लगभग मैं घूम ही चुका हूँ, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद, और मैं घूमने के लिए 1-2 दिन के लिए मैं जाता हूँ, तो 10-15 दिन रुकता हूँ, फूड कल्चर लोग कॉरपोरेट एवरीथिंग आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वहाँ से फिर मैं एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं यार मिनिमम बेसिक्स आर रिक्वायर्ड, जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा, ब्रेक द मैट्रिक्स में एवरीथिंग ब्रेक नहीं करना है, एटिकेट को रखना है, मिनिमम सोशल नॉर्म्स को रखना है, पेरेंट्स और एल्डर्स इन सब का रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात को सुनना है, ये सब मिनिमम एटिकेट्स हैं, दीज आर द कल्चरल थिंग्स दैट वी हैव टू कैरी टिल आवर डेथ, ठीक है।
तो अब मुझे लगा कि आप लोग हो सकता है खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो वीडियो मुझे देखकर फॉलो करते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चला गया होगा 30-40 मिनट का, बट आई होप कि आपको मजा आया होगा। चलिए मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, थोड़ा मेसी हो गया है, बट अगला वीडियो हम टारगेट करेंगे एजुकेशन करियर, और इससे इंटरलिंक करेंगे हम कॉरपोरेट और जॉब, और हमें क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, क्या सही रहेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स, क्या मैंने बताया, डोमेन सब्जेक्ट और कम्युनिकेशन, यह दो चीज नहीं छोड़ना है मरते दम तक, यह आपको साथ देगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, नवीनॉमिक्स इज ऑलवेज विथ यू, लेट्स ब्रेक द मैट्रिक्स, एवरी काइंड ऑफ मैट्रिक्स। ओके, होप टू मीट यू इन द क्लास, जो भी बच्चे क्लास के इच्छुक हैं सारे क्लास डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, नीचे टेलीग्राम होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, और जो नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड किए हैं तो उनको तो खैर डेफिनेटली थैंक्स टू दैम, एंड दे शुड ऑल्सो थैंक टू मी, क्योंकि ऐप पे इतना ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी मैं अभी कल परसों भी अपडेट किया हूँ, सारे बुक्स डाल दिया हूँ, 21-22 करीब टेस्ट फ्री हैं, लॉट्स ऑफ वीडियोज़ कंटेंट्स फ्री हैं, तो आप उसको आराम से देखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक्स वगैरह मैं बता दिया हूँ। इस वीडियो को हम मिस नहीं करेंगे, पढ़ाई की वीडियो अलग आएगी, सीयूटी की वीडियो अलग आएगी, यूजीसी नेट जीआरएफ की वीडियो अलग आएगी, और यह हम जो कंटेंट बनाएंगे जो कि ब्रेक द मैट्रिक्स होगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएंगी, इसकी वीडियो हम अलग रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो 10 से 12 मिनट का रहेगा, काफ़ी स्क्रिप्टेड रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, मुझे झेलने के लिए आधा घंटा। जय हिंद गाइस।